नमस्कार दोस्तों, फटाफट न्यूज के ऊपर आते हैं क्योंकि आज इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हमेशा अब ये सिलसिला चलेगा हमारा, इंपॉर्टेंट जो मार्केट की खबर होगी उसके ऊपर मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। यहां पे जो टॉप 5 न्यूज है उसके ऊपर मैं फटाफट आ जाता हूं। देखिए, मार्केट कुछ अच्छा नहीं है, मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है। 11% का यहाँ पे डिक्रीमेंट आप देख सकते हो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। 21,000 के ऊपर बिटकॉइन आ चुका है, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। मार्केट को यदि आप स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉलर का जो हमारा इंडेक्स है वो लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एक बात याद रखिएगा, चाहे आप स्टॉक मार्केट में अंदर ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि डॉलर इंडेक्स ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है उसका मतलब मार्केट डेफिनेटली क्रैश होगा, और इसी रीजन से आप देख सकते हो डॉलर का जो इंडेक्स है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। बाकी जितनी भी टॉप करेंसीज है, चाहे आप यूरो को पकड़ लो चाहे आप डॉलर को पकड़ लो, उनके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके बाद जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर अच्छा खासा क्रैकडाउन हमको नजर आ रहा है। चाहे आप इथेरियम की बात करो, बिटकॉइन की बात करो, ये जो रैली आपको नजर आई थी वो इथेरियम मर्जिंग के कारण नजर आ रही थी, लेकिन वो भी अब बड़ा फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि डॉलर यदि इंडेक्स बढ़ेगा तो मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरेगा। यदि हम सेकंड न्यूज पे आते हैं तो मैंने आपको बताया चाइना और ताइवान के अंदर ये जो रिलेशंस हैं इनके, इसके अंदर डेफिनेटली फिर से टेंशन हो चुकी है, और यूएस यदि इसके अंदर कूदेगा तो डेफिनेटली ये बड़ा मुद्दा होने वाला है और ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा। सेकंडली यदि मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हो रशिया और यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूं। रशिया यूक्रेन के अंदर फिर से वो जो सिचुएशन ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन की हम बात करें तो वो फिर से यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसके बाद हमारा फाइनेंशियल मार्केट डेफिनेटली यहां पर क्रैकडाउन करने के यहां पर नजर आ रहा है। और यहां पर आपको नोट करना पड़ेगा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहां पर चाइना की जो इकोनॉमी है वो लगातार गिर रही है। यदि हम 2021 की डेटा की बात करें तो केवल 7% के आसपास उनका जीडीपी था, यदि हम 2022 की बात करें तो केवल 4% के आसपास है, और यही यदि मैं अगले 5 साल की बात करूं तो आने वाले 5 साल के अंदर ऐसा माना जा रहा है, जितनी भी मैंने रिपोर्ट्स को स्टडी किया है तो वहां पे कहा जा रहा है कि 2-3% के आसपास इनकी इकोनॉमी यहां पे ग्रोथ करेगी। यानी कि यदि चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो उसका फर्क केवल चाइना पे नहीं पड़ेगा, उसका ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर फर्क पड़ेगा। चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो या फिर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे एक और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सैमसंग के तरफ से। सैमसंग ने यहां पे साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में यहां पे बात चल रही है कि सैमसंग अपना खुद का एक्सचेंज लेके आएगा, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं है, लेकिन यहां पे सैमसंग उस लड़ाई के अंदर जरूर है जहां पे वो अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज लेके आने की सोच रहा है। तो यदि ये चीज होती है तो डेफिनेटली जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो लोग यदि यहां पे इस एनवायरमेंट को एडॉप्ट करने की सोच रही है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ में यदि मैं बात करूं, सैमसंग ही केवल ऐसा ब्रांड नहीं है जो क्रिप्टो एक्सचेंज को यहां पे लॉन्च करने के बारे में सोच रहा है, कुछ और भी ब्रांड्स हैं जिनको मैं अभी आपको कुछ ही वक्त के अंदर हमारे जो टेलीग्राम आईडी है उसके अंदर सेंड कर दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, यहां पे सब कुछ आपको फ्री में सबसे पहले मिल जाता है। चाहे रशिया यूक्रेन की न्यूज भी थी तो सबसे पहले मैंने आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की थी। चाहे आपको कुछ भी बाइंग करनी है, कुछ सेलिंग करनी है, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यहां पे मैंने आपके साथ में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो थी आज की वीडियो में कवर कर ली है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और आने वाली वीडियो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे अब टेक्निकल्स पे हमने बहुत बातें की है लेकिन फंडामेंटल स्किल्स को आपको जानना पड़ेगा। फंडामेंटल्स को किस तरीके से स्टडी करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करो, क्योंकि ये मार्केट अभी भी बहुत छोटा मार्केट है, इसके अंदर फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।